जियो ने फिर से करोड़ों ग्राहकों को तगड़ा झटका दे दिया। नमस्कार, रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को फिर से झटका दे दिया और इस बार इस झटके के लपेटे में करोड़ों लोग आ गए हैं। रिलायंस जियो ने अपने 19 और 52 रुपए के छोटे रिचार्ज पैक खत्म कर दिए। करोड़ों जियो यूजर्स इन पैक्स का इस्तेमाल करते थे। उन्हें 19 रुपए के रिचार्ज में एक दिन की वैलिडिटी मिलती थी, जबकि 52 रुपए के रिचार्ज में 7 दिन की वैलिडिटी यूजर्स को मिलती थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब जियो यूजर्स के पास कॉम्बो और प्लान की शुरुआत 98 रुपए से होगी। 98 रुपए का प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। रिलायंस हाल ही में IUC टॉप अप प्लान लाया है। इसके बाद जियो ने अपने 19 और 52 रुपए के रिचार्ज पैक्स खत्म किए हैं। IUC अप मतलब जिनसे आप दूसरे नेटवर्क पर बात कर सके। जियो 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के IUC टॉप अप बाजार में आई है। IUC टॉप अप करके आप एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे दूसरे नेटवर्क पर बात कर सके और आपका कोई एक्स्ट्रा बिल नहीं आएगा। IUC को इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्ज कहा जाता है। ट्राई की ओर से दूसरे नेटवर्क्स पर किए जाने वाले कॉलर्स के बदले कंपनियों के लिए 6 पैसे प्रति मिनट IUC चार्ज निर्धारित किया गया है। ये चार्ज आउटगोइंग कॉल करने वाले ऑपरेटर को कॉल रिसीव करने वाले ऑपरेटर को देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई जियो यूजर वोडाफोन नंबर पर कॉल करता है तो जियो को 6 पैसे प्रति मिनट की दर से वोडाफोन को पैसे देने होंगे। कुछ ही दिन पहले जियो ने ये IUC चार्ज ग्राहकों पर शिफ्ट करा दिया था। इसी चार से बचाने के लिए अब IUC टॉप अप बाजार में आए हैं।